લોકડાઉન માં પોતાના માદરે વતન જવા લોકો હાલ તત્પર છે, જેના માટે ફોર્મ ભરવા માટે તાપ તડકામાં લાંબી કતારમાં ઉભા રહ્યા છે, ત્યારે વરાછામાં પરપ્રાંતિઓનું શું છે અસર, તેના પર કરીએ એક નજર. પોલીસ સ્ટેશન પ્રશાસનની સામે 35 દિવસથી ભોજનનું વિતરણ ચાલુ હતું અમારા તરફથી. ડોર ટુ ડોર બધા ગરીબોને જમાડતા હતા, અને પ્રશાસન આપણા માટે આટલું બધું કરી રહી છે તો અમારું બી ફરજ છે બધાના ગરીબોની દેખભાલ અને જે જાય છે અને પાણીનું વિતરણ અને ખાવાનું વિતરણ કરીએ. અને પૂના પોલીસ સ્ટેશનના બધા પ્રશાસનની ટીમના સામે આખું આજે 1000 બોટલ વિતરણ કરવામાં આવી છે. પૂના પાટિયા આતે પોલીસ સ્ટાફ કા બંદોબસ્ત કે સાથ મેં उनको अच्छी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाया गया. उसके बाद उनको अलग अलग दो एनजीओ के साथ हमें कोलोब्रेशन करके उनको छाछ की और पानी की और खमन की भी व्यवस्था की गई. और हमारे पुलिस स्टाफ ने और एसएमसी और कलेक्टर कचहरी के स्टाफ ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बस वगैरह सैनिटाइज करके उनको वन बाय वन बैठा के उनको रेलवे स्टेशन भेजने की कार्रवाई अभी चल रही है. उसमें लॉकडाउन की वजह से सूरत में सब धंधा रोजगार बंद है, तब कि अपने गुजरात के बाहर से आए हुए जो हमारे भाई लोग हैं आज अपने घर अपने वतन जा रहे हैं. और तब यहाँ पूना पाटिया पे पूना पुलिस स्टेशन की हद के अंदर कम से कम 1200 से 1500 जो हमारे भाई हैं वो अपने वतन अपने घर जा रहे हैं. तब यहाँ जो पूना गांव की हमारी टीम है कांग्रेस परिवार की, जो हमारे ओलियंटर है उसके साथ मुकेश भाई, गुरुकृपा दाबेली वाले, हमारे बंटी भाई, राहुल भाई, प्रवीण भाई जो पूना गांव के खेडूत हैं, बाकी जो हमारी जो टीम है पूरी, वो पूरी टीम ने यहाँ पे जो हमारे भाई लोग अपने घर पे जा रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ऊपर वाले से शुक्रगुजार करते हैं कि अपने घर वो पहुँच जाए और उसका स्वास्थ्य ऐसा ही रहे. और दूसरी बात कि जब ये लोग घर जा रहे थे हमने यहाँ पे पीने का पानी, ठंडा छाछ और उसके लिए नाश्ते की व्यवस्था की ताकि अपने घर वो आराम से जा सके और जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो, धंधा रोजगार चालू हो, तब सुकून से वो वापस सूरत में आए, वैसे भी हम कामना करते हैं. मेरा नाम सुरेश भाई सुहागिया, सभ्य नगर प्राथमिक शिक्षण समिति सूरत. आज अत्यारे पूना पाटिया पर आप जोई रह्या छो ते प्रमाणे अहींथी जे श्रमिक लोको जे छे ए लोकोने पोताना मादरे वतन मोकलवामां आवी रह्या छे. अहींना પૂણા વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનની હદની અંદર પોલીસની સરાહનીય કામગીરી છે, તે લોકો દ્વારા તમામ વ્યક્તિને શિસ્તબદ્ધ રીતે અહીંથી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી અને આગળ મોકલી રહ્યા છીએ. ત્યારે પૂણા વિસ્તારના અમારા જે સ્થાનિક પોરપોટર છે દિનેશભાઈ સાવલિયા, તેના સહયોગથી આજરો તમામ માટે પાણી, છાશ અને નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે અહીંથી જે લોકો માદરે વતન જઈ રહ્યા છે તે લોકોને અહીંથી ત્યાં સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે અને તેઓનો જઠરાગ્નિ ફરે એ માટે એ લોકો માટે નાસ્તાની વ્યવસ્થા દિનેશભાઈ સાવલિયા દ્વારા કરવામાં આવી છે. મેરા નામ અજય મિશ્રા. ये हमारा आज जो 1200 की दो ट्रेनें जा रही हैं, ये समस्त बिहार झारखंड समाज ट्रस्ट का जो हमारा ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष अजय चौधरी हैं, उनके द्वारा हम लोग ये ट्रेन यहाँ से खोल रहे हैं, जिसका पूरा अरेंजमेंट समस्त बिहार झारखंड समाज ट्रस्ट ने किया है. और ये जो भी लोग जा रहे हैं इनका टोटल व्यवस्था हमारी संस्था ने करके दिया है, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना जो रेलवे का टिकट है, जो टिकट पे चार्ज है उससे हम लोग यहाँ तक कि जेरोक्स का भी पैसा हमारी संस्था दी है, जो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं.
हमारा कंप्यूटर का, हमारा स्टेशनरी का जो भी कॉस्ट है वो हमारी संस्था वहन कर रही है। और हम लोग ये अपने श्रमिकों को गांव भेजने के लिए ये पूरा आज तैयारी किए हैं। और हमारा आज एक गाड़ी 8 बजे और एक गाड़ी रात को 10 बजे एक झारखंड और एक बिहार के लिए खुलेगी। और ये रेलवे की टिकट कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है? नहीं, ये टिकट जो है पहले हमारी संस्था अपना पैसा लगा के रेलवे से टिकट लेती है और फिर हम कारीगरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो सक्षम नहीं है उसको लोग फ्री भी करते हैं, और जो सक्षम नहीं है जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है उनको हम फ्री भी करके देते हैं। मतलब आज जितने जो पैसे दे सकते हैं उनसे पैसे ले रहे हैं? हाँ, पैसे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। एक एक ट्रेन का 8 से 10 रुपया खर्चा आता है, तो जो रेलवे का पैसा है जो टिकट पे लिखा हुआ है उससे 1 रुपया भी ज़्यादा किसी से नहीं लेते। उसका फॉर्म भरने का चार्ज, स्टेशनरी का चार्ज, कंप्यूटर का चार्ज, हम लोग का मेहनत, ये BRTS का बस का भाड़ा, ये पूरा BRTS का 1200 लोगों का टिकट है, हम सारा अपने व्यवस्था में करते हैं।